सभी को मेरा मार्ग करवा दे यार। हम वॉल्यूम सर्फेस चैप्टर, वॉल्यूम सर्फेस एंड एरिया की चैप्टर में है, और मैथ्स का चैप्टर बहुत डिफिकल्ट चैप्टर, ऐसा लोग कहते हैं, टीचर्स कहते हैं स्कूल के, और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगा। जैसा नेक्स्ट लेक्चर में कराया था मैंने एक 1/27 वाला, जिसमें कोण ऊपर से कट ऑफ करा था वो सब, और वैसे आज एक क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट टर्म के ऊपर, जैसे मैंने आपको लिस्ट बताई थी फर्स्ट टर्म की, और आइए देखते क्या कहता है क्वेश्चन। तो जैसे कि मैं स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। अहोलो कोन इज कट बाय द प्लेन पैरेलल टू द बेस एंड द अपर पोर्शन इज रिमूव इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमाइंडर इज 8/9 ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होल कोन, फाइंड द रेशियो ऑफ राइट सेगमेंट विच द कोन एटीट्यूड डिवाइड बाय द प्लेन। क्या बोल दिया क्वेश्चन, आपको मालूम नहीं चला। तो मैं सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में हॉलो कोन की बात हो रही है, कोन बना लेंगे। एक हमने कोन बना ली और पूरा उसको लेवल कर देंगे जो जो कोन में दिया रहता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। हॉलो कोन इज कट बाय द प्लेन पैरेलल टू द बेस एंड द अपर पोर्शन इज रिमूव्ड, जो कोन का अपर पोर्शन रहता है, जो कोन का अपर पोर्शन रहता है वो रिमूव्ड हो गया है, मतलब यहां कहीं से कोन कटा होगा तभी तो रिमूव्ड हुआ है। आप इसको डॉटेड लाइन से बना सकते हो जिसमें आपको समझ में आए, मैं इसको डॉट लाइन से नहीं बना रहा हूं, मतलब आप समझ लीजिए ये जो अपर पोर्शन है इसका रिमूव्ड हो चुका है, पर मैं रिमूव नहीं कर रहा हूं क्योंकि रीजन है, मैं आपको दूंगा उसके बाद, लेबल कर लेंगे पूरा। प्लेन पैरेलल टू द बेस एंड द अपर पोर्शन इज रिमूव्ड इफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमाइंडर इज 8/9, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमाइंडर क्या बच रहा है, फर्स्ट टर्म बच रहा है, शेड कर लेंगे। जब ये कोण रिमूव्ड हो जाता है तो रिमाइंडर मतलब जो बच रहा है, क्या बच रहा है, फर्स्ट टर्म बच रहा है इतना, फर्स्ट टर्म इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमाइंडर इज 8/9, तो लिख लेंगे पहले सॉल्यूशन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म इज माने इक्वल टू इज 8/9 ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो पहली कोन था उसका 8/9 है, तो 8/9 ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ बिगर कोन, क्योंकि कोन तो बड़ी वाली थी, दो कोन है आप, एक छोटी एक बड़ी, तो इसलिए अपन उसको डिफाइन करने लगेंगे बिगर कोन। तो ये आपको स्टेप समझ में आया। अब मैं आपको कुछ बेसिक समझाऊंगा, ये फर्स्ट टर्म 8/9 है, तो जो बची ऊपर की छोटी कोन होगी जो अपन जो रिमूव नहीं करी है वो 1/9 हो जाएगी। 1/9 कैसे हो जाएगी मैं आपको करके बताऊंगा, अगर अपन सॉल्व करेंगे पूरी वैल्यूज रख के, तो आखिरी में जो काटेंगे 1/9, पर अपन को डायरेक्ट मैच करना है, ये छोटी क्लास का मैच डायरेक्ट करना है। टोटल पार्ट्स 9 थे, मतलब आपके पास समझ लीजिए 100 रुपए, जिसमें से 50 रुपए मैंने, जिसमें से एक लड़के ने 50 रुपए खुद रखे और एक को दूसरे को दे दिए, तो मतलब दोनों में 50-50 रुपए किसके, टोटल 100 में से 50 रुपए बचेंगे ना उसके पास, तो जो टोटल रहते हैं, जैसे कि पूरा 9 में से 8/9 ये फर्स्ट टर्म है और तीसरी कोन 1/9 रहेगी क्योंकि टोटल 9 है। जैसे अपन इनको ज्वाइन करेंगे तो 9/9 आ जाएगा, कार्ड के वही बचेगा, किसी का टोटल भी वही होता है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक समझाया, आपको दिमाग में याद रखिएगा, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अपन को क्या फाइंड करना है वो अपन आगे पढ़ेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। A hollow cone is cut by a plane parallel to the base and the upper portion is moved if the curved surface area of remainder yani first term, ye jo first term aaya apne paas jo shade kara hai, is 8/9 and the curved surface area of whole cone, find the ratio of line segment into which the cone's altitude divide by the plane. Ratio of line segment karna hai, matlab ye o dash hai, ye o hai, to apne ko ratio nikalna hai jo yahan pe cone divide hua hai, jahan se beech se kata hai cone, to matlab nikalna hai o dash अपॉन ओ डैश, एओ डैश अपॉन ओ डैश का रेशियो निकालना है, मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन, जो अपन ने निकाल लिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ डिफाइंड करके लिखिएगा स्मॉलर कोन, दो कोन है इसमें, पूरा सॉल्व ना करने से डायरेक्ट लिखना है स्मॉलर कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन इक्वल्स टू कितना है 1/9 इक्वल्स टू 1/9 ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ बड़े कोन में से देख रहे हैं ऑफ बिगर कोन, ये एक स्मॉलर कोन भी तो बड़े कोन का पार्ट है, इस कारण जैसे कि मैंने आपको ये एक लॉजिक समझाया था वैसे ही है ये भी बड़े कोन में से, तो जो अपन ने समझाया था वो लिखा है। अब सीधे सीधे कोन का फॉर्मूला पुट करेंगे और वो पुट करते हैं अपन कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन, तो पाई स्मॉल आर स्मॉल एल मार्क कर लेंगे, स्मॉल
स्मॉल आर मार्क कर लेंगे जहां पे स्मॉल छोटा कोण है, और स्मॉल एल मतलब ये जो स्लैंट हाइट दी है एल, ये स्मॉल एल यहां मार्क कर लेंगे क्वेश्चन के साथ। इक्वल्स टू 1/9 ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोण, तो फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, तो पाई कैपिटल आर कहां है मार्क कर लेंगे, मार्क करना बहुत जरूरी है, कैपिटल आर मैंने मार्क कर दिया है, पाई आर कैपिटल एल ये पूरा एल हमको उस वाले क्वेश्चन में 1/27 वाले क्वेश्चन में हमको ये हाइट दी रही थी, मतलब हाइट दी हुई थी 30, तो इस कारण से हमको यहां पे सीधे मार्क कर देना एल कैपिटल एल। तो ये हमारा पहला स्टेप आ जाता है, और इसमें से जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बस, और बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो बचा है लिख देंगे स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल इक्वल्स टू कैपिटल आर इंटू कैपिटल एल होल अपॉन 9, बॉक्स इक्वेशन नंबर 1। हाँ यार ये तो वैसे क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन में अपन को, जैसा कि मैंने अपन को 1/27 वाला करा था उसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ था और इक्वेशन नंबर 1 आई थी, अब क्या करेंगे अपन ने उसमें सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करा था क्योंकि अपन यहां पे आगे फंस गए थे, और उसमें भी सिमिलर ट्राइंगल यूज करेंगे अगले वाले स्टेप में। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ेंगे। हॉलो कोन इज कट बाय द प्लेट पैरेलल टू द बेस एंड द अपर पोर्शन इज रिमूव्ड विद द कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमाइंडर यानी फ्रस्टम इज 1/9 ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ होल कोन, फाइंड द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट इनटू बेस द कोन एल्टीट्यूड डिवाइड बाय द प्लेन। तो अपन आगे करेंगे, अब अपन को जैसे कि पहले क्वेश्चन में अपन यहां आगे फंस गए थे, कुछ नहीं करना है, सिमिलर ट्राइंगल्स की हेल्प लेंगे और दो ट्राइंगल सिमिलर करेंगे, तो करेंगे एन ट्राइंगल ए छोटा वाला, एन ट्राइंगल ए बड़ा वाला, एन ट्राइंगल ए छोटा वाला, एन ट्राइंगल ए बड़ा वाला, एन ट्राइंगल ए 90C यानी ए ओ डैश सी डैश, और एन ट्राइंगल ए 90C यानी ए ओ सी, दो ट्राइंगल ले लिए, कॉमन एंगल आ रहा है यहां मार्क कर लेंगे, एक्स भी पूरा ए नहीं ले सकते यहां पे छोटा एक्स मार्क कर लेंगे, बहुत जरूरी है पूरा ए मत लिखिएगा बोर्ड में मार्क्स काट लेगा टीचर। एंगल एक्स इक्वल टू एंगल एक्स कॉमन एंगल, एंगल ओ डैश इक्वल टू एंगल ओ 90 डिग्री ईच एंगल, बिल्कुल वैसे ही उसी क्वेश्चन जैसे होता जा रहा है, बस थोड़ा लॉजिक लगाना है, फ्रस्टम आ गया और डेफिनेशन ऊपर की चेंज हो गई थी क्वेश्चन की, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है बोर्ड में। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डैश सी डैश O dash C dash is similar to triangle AOC by angle angle similarity. Side ratio में लिख लेंगे AO dash upon AO equals to O dash C dash upon OC equals to AC dash upon AC. Side ratio में लिख ली, value put करेंगे क्या क्या दिया है, एओ डैश कितना दिया हमको, एओ डैश क्या है स्मॉल एच मार्क कर लेंगे, स्मॉल एच अपॉन एओ ये पूरा एओ क्या है मार्क कर लेंगे कैपिटल एच, फिर यहां पे भी लिख लेंगे कैपिटल एच इक्वल ओ डैश सी डैश, ओ डैश सी डैश क्या दिया स्मॉल आर मार्क कर चुके हैं हम, ओ सी कैपिटल आर, ए सी डैश स्मॉल एल मार्क कर चुके हैं जो हम, और ए सी कैपिटल एल। अब हमारी ये क्वेश्चन बन गई है, और अब इनमें से किसी दो को उठाना है हमको, तो किसको उठाएंगे आपको कैसे मालूम चलेगा मैं बताता हूं, आपको देख रहा जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी उससे मिलजुल के कोई को उठाना पड़ेगा, आपको देख रहा फर्स्ट इक्वेशन में स्मॉल आर स्मॉल एल चाहिए है, तो स्मॉल आर स्मॉल एल स्मॉल आर स्मॉल एल स्मॉल स्मॉल आर स्मॉल एल, और कैपिटल आर इंटू कैपिटल एल भी चाहिए है, तो कैपिटल आर इंटू कैपिटल एल ये दोनों चाहिए है, तो इन दोनों में सर्कल लगा के ये उठा लेंगे, और हम ऐसा करेंगे अगले स्टेप। अपन स्टार्ट करते हैं, अपने पास आखिरी स्टेप भी आ चुका था, तो अपन को दो चीज उठानी थी, मैंने आपको रीजन भी दिया क्यों, क्योंकि इसकी इक्वेशन नंबर वैल्यू 1 में पुट करना है, तो ये उठा लेंगे ये दोनों रेशियो के, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे, स्मॉल आर इंटू कैपिटल एल इक्वल्स टू स्मॉल एल इंटू कैपिटल आर, और आपको देख किसकी वैल्यू निकालनी है उसकी निकाल सकते हैं आप। अपन स्टार्ट करते हैं जैसे कि, तो आर स्मॉल आर की वैल्यू आपके ऊपर है, किसी की भी निकाल लीजिए, तो स्मॉल आर इक्वल टू एल लीजिए चला जाएगा, स्मॉल एल इंटू कैपिटल आर
कैपिटल एल। अब अपन देखेंगे अपन को इसमें आर की वैल्यू जैसे कि अपने पास आ चुकी है, अब अपन को सबसे पहले देखेंगे स्मॉल आर, अपन अपनी इक्वेशन नंबर वन उठा लेंगे। तो उठाएंगे अपन इक्वेशन नंबर वन, स्मॉल आर स्मॉल एल इक्वल्स टू आर इन कैपिटल आर इंटू कैपिटल एल होल अपॉन नाइन फ्रॉम इक्वेशन वन, रीजन लिख देंगे बोर्ड के टीचर की। अब जो अपने पास स्मॉल आर की वैल्यू आई है, ये स्मॉल आर की जो वैल्यू आई है सीधे सीधे पुट कर देंगे, और करते हैं अपन इसी इक्वेशन पुट करेंगे। तो स्मॉल एल इंटू कैपिटल आर होल अपॉन इंटू स्मॉल एल इक्वल्स टू कैपिटल आर इंटू कैपिटल एल अपॉन नाइन। और जो अपने पास जैसे कि आपको दिख रहा है मेरे पास स्पेस नहीं है अगले स्टेप में, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला स्टेप जैसा आ गया था, अपन कंटिन्यू करेंगे। इसमें आप देखेंगे क्या क्या कट रहा है, सब इंटू में तो कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा एल स्क्वायर और ये एल वहां पे जाके कैपिटल एल से इंटू जाएगा, कैपिटल एल वहां पे जाके कैपिटल एल से सीधे इंटू कर दीजिएगा तो इक्वल टू कैपिटल एल स्क्वायर अपॉन नाइन, ये स्मॉल एल स्क्वायर का वहां जाके रूट बन जाएगा। एल इक्वल टू रूट ओवर ये जो स्क्वायर था स्मॉल एल का वहां जाके रूट बन जाएगा एल स्क्वायर अपॉन नाइन। तो एल इक्वल टू रूट ओवर एल अपॉन, अब रूट हटा दीजिएगा आप सीधे सॉल्व करेंगे, एल इक्वल टू एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर का रूट मतलब निकल गया एल आएगा और नाइन का थ्री बॉक्स कर दीजिएगा। अब हमारे पास स्लैंट आई मतलब ये जो एल है छोटा वाला उसकी वैल्यू आ चुकी है, अब हमको जो करना है मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। तो जैसे कि मैं स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट स्टेप ही आ चुका था, अब अपन को देखना कि अपन के पास जो सेंटर अपने ट्राइंगल कर रहे थे उनका रेशियो निकाला था, तो अब उनमें से अपन को फिर से दो रेशियो उठाने पड़ेंगे किसी चीज के, तो क्या देखे उठाएंगे अपन देखते हैं। तो h अपन को क्या लाना है टू प्रूफ, क्या करना है अपन को एओ डैश अपॉन ओ डैश ओ, एओ डैश अपॉन ओ डैश ओ, तो उनमें क्या क्या लाना पहले देखते हैं। उसके लिए अपन को h पता करना पड़ेगा दोनों, तो एक ये उठा लेंगे और l ये उठा लेंगे क्योंकि इसमें रेडियस कोई काम ही नहीं है। तो सबसे पहले अपन उठा लेंगे h स्मॉल h अपॉन कैपिटल h इक्वल्स टू स्मॉल l अपॉन कैपिटल l, हमारे पास स्मॉल l की वैल्यू आ गई थी तो अपन उसको पुट कर देंगे सीधे सीधे स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एल में सर्कल करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी कैपिटल एल अपॉन थ्री होल अपॉन कैपिटल एल, अब ये थ्री नीचे चला जाएगा मैथ्स का रूल है ये, तो स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन थ्री इंटू कैपिटल एल मतलब कैपिटल एल अपॉन थ्री इंटू कैपिटल एल, कैपिटल एल से कैपिटल एल कैंसिल हो जाएगा बचेगा ऊपर वन, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इक्वल टू वन बाय थ्री। तो अपने पास स्मॉल एच क्या आ गया वन आ गया, ये स्मॉल एच की वैल्यू अपने पास आ गई है वन, और जो अपने पास पूरी हाइट थी इसकी ये आ गई है थ्री, तो पूरी थ्री है और ये इतनी सी वन है, ये पूरा थ्री है और इतना सा वन है, तो बीच वाला पार्ट हो जाएगा टू, टू हो जाएगा पूरा थ्री है और ये वन है तो माइनस कर देंगे तो बीच वाला पार्ट आ जाएगा टू। तो देयरफॉर स्टेटमेंट बना के आंसर लिखेंगे सीधे, देयरफॉर रेशियो ऑफ कोन एल्टीट्यूड दैट इज एओ डैश अपॉन ओ डैश ओ इक्वल टू एओ डैश अपने पास आ चुका था वन स्मॉल एच तो वन और जो बचा था अपने पास अपन ने निकाल लिया था माइनस करके टू वन बाय टू बॉक्स आंसर। ये अपने पास आंसर आ चुका है, देखा आपने कितना टफ क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, और मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराते जाऊंगा, बस आपको ये वीडियो ध्यान से देखना और शेयर करना है। एंड थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड मार्क नरोदेव।